तीसवीं कहानी यीशु 5000 लोगों ले रोटी खिलावा सा। यीशु अपने खास चेले प्रचार करने ले और लोगों ले शिक्षा देने ले भरी का अलग अलग गांव दी भेजे। जब इसे वापिस आशे तब तिहुए यीशु ले बोलो कि तिहुए का कियो। तब यीशु से जिलरी दूजी भी ले एक शांत जगह दी दे यो कुछ वक्त ही आराम करने ले अटाए। एथीले से एक ही किश्ती दी चढ़े और जिलरे दूजी भी ले डे गए। पर तीये बरी इन्हें लोग थे जुनिये यीशु और चेले किश्ती दी डेउंदे देखे थे। ये लोग त्यों को अगड़िये जिलरी दूजी भी ले डेउना ले जिलरी कुनियारी कुनियारी दी भागे। एथीले जेबी यीशु और चेले पहुंचे तो लोगों री एक बड़ी भीड़ तीय जगह दी पहला को तीय पहुंची गई थी। तीय भीड़ दी छेउड़ी और लोलडेरी गिनती छड़ियो 5000 मोरत थे। यीशु त्यों लोगों माथे बड़ो तरस खाओ। यीशु ले से लोग बिना बिरल डूरी बेरी जीने थे। एथीले तिणीय त्यों ले शिक्षा देई और त्यों मंजे जो लोग बीमार थे से चंगे किए। प्याल होने रे बोकते चेले हुए यीशु ले बोलो अबे बेर हुई गोईया और नजदीक दी के जो इलाको नहीं है यूं लोग उडे उने दे ताकि डेयो खाने ले कुछ नहीं बोला। पर यीशु चेले हुए बोलो तुम्हें तीन ले कुछ खाने ले दे हो। तीन जवाब दे हो हमें इनो किने करी करी सकी है हम के सिर्फ 5 रोटी और 2 छोटी मच्छी। यीशु अपने चेले हुए बोलो किसे बीड़ा रे लोगों का समथ है 50-50 री पंक्ति दी बोशना ले बोलो। तबे यीशु 5 रोटी और 2 मच्छी नियो स्वर्ग बिले देखो और 3 रोटी ले परमेश्वर रो धन्यवाद दे। तबे यीशु रोटी और मच्छी टुकड़े दी चोड़े तीनिये लोगों ले देना ले अपने चेले कैसे टुकड़े दे। चेले 3 रोटी बांट दे लगे और से के भी खत्म नहीं हुई से सारे लोग खाइयो भरपूर हुई गए। तेत बस ये चेले हुए से बची अंधी रोटी कठे करी जो खाई नहीं थी तेत करी 12 छाबड़े भर हुए। से सारी रोटी त्यों 5 रोटी और 2 मच्छी को आशी थी।